वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, ये मैंने पहना हुआ है बंगाली में, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल किया हुआ है मैंने, जो कि अभी करवा चौथ जो आ रहा है उसके लिए स्पेशल वीडियो है। ये साड़ी रियल में बहुत ही प्यारी लग रही थी जब मैंने इसे वेयर किया था, और ये आप खुद ही देख पा रहे हो कि बंगाली में एक जॉर्जेट साड़ी से बनी हुई ये साड़ी का जो लुक है बहुत ही प्रीटी है और बहुत ही आसान है इसे पहनना। आपको बहुत आसानी होगी। इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि ये वाला लुक आपको कैसे क्रिएट करना है, जो कि बहुत ही प्यारा है। अगर आपने पहना तो आपने बहुत अच्छा लगना है। आप न्यूली मैरिड हो या करवा चौथ तो आई रहा है, स्पेशली उसलिए मैंने वीडियो बनाया है। बट न्यूली मैरिड हो या न्यू लड़की हो जो फर्स्ट टाइम करवा चौथ रह रहे हैं, या जैसे भी हो, आप इसे वेयर कर सकते हो। बहुत ही प्रिटी लुक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने पेटीकोट ब्लाउज कैरी करा है और अब हमें चाहिए अपनी साड़ी। तो चलो साड़ी पहनना स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए, ये मेरी साड़ी है रेड कलर की। स्पेशली जब ये फेस्टिवल वगैरह होता है तो हम कलरफुल कैरी करना चाहते हैं, तो रेड तो सबसे परफेक्ट होता है न्यूली मैरिड या करवा चौथ जैसे फेस्टिवल के लिए। तो आपने ले लेना है कोई सा भी कलर जो आपका फेवरेट हो, या अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप रेड साड़ी ले लो। और साड़ी थोड़ा सा ब्राइडल हो तो अच्छा लगता है, और स्पेशली करवा चौथ या कोई ऐसा फेस्टिवल हो जो न्यूली मैरिड या ऐसे चीज़ के लिए हो, तो आप रेड कलर लो और थोड़ा सा लेस वगैरह। तो नॉर्मल आपको प्लेट्स बनाने हैं, नॉर्मल प्लेट्स, यहाँ थोड़ा नॉर्मल प्लेट से हटकर बनाना है। तो चलिए देखते जाइए, आपको प्लेट्स ना थोड़ा सा चौड़ा बनाना है, थोड़ा क्या काफ़ी, जितना आप बनाते हो उससे तो काफ़ी चौड़ा। आप देख रहे हो कि ऐसे मैं बना रही हूँ और ये ओपन होने के बाद और भी चौड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि आपको प्लेट्स यहाँ बहुत चौड़े बनाने हैं। और अगर आपके हाथ में ऐसे कवर नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते हो, तो वो ट्रिक भी मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। ये वीडियो को आप लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने कर लिया टकिंग, और सिंपल वे में मैंने टकिंग की है। और मैंने जैसे बताया कि आप ऐसे हैंड पे वाला टकिंग नहीं कर सकते, सॉरी प्लीट्स, तो आपके लिए एक प्लीट्स आप नॉर्मल बना लें, उसके हिसाब से मेजर करते हुए आपको प्लीट्स बनानी है। तो देखिएगा ध्यान से, जो मेरे प्लीट्स पे ध्यान दीजिएगा। पहले मैं थोड़ा सा प्लीट्स को सेपरेट कर ली हूँ। अब हमें करना ये है कि अगर आपको हैंड पे नहीं आ पाता है प्लीट्स बनाने का, तो आपको लेना है ऐसे नॉर्मल वे में फैब्रिक को इतना मेजर कर लेना है जितना चौड़ा आप प्लेट्स बनाना चाहते हैं, फिर यहाँ पे टकिंग कर लेनी है, फिर वहाँ से अगेन आपको ऐसे लेके जाना है और फिर से टकिंग कर लेनी है। तो एक प्लेट्स मैंने ऐसे बनाकर दिखा दिया ताकि आपको प्लेट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए आपका रहा आसान तरीका, और ये आपका प्लेट्स जो है बन के तैयार हो चुका है, और कोई भी मुश्किल नहीं हुई, बहुत इजी तरीके से हमने अपने प्लेट्स बना लिए हैं। अब चलो अपना जो मेन काम है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ लेस तक की फैब्रिक को ही प्लेट्स बनानी है और टकिंग करनी है। तो ये देखिए, ऐसे आप फ्री भी कर सकते हो, बट फ्री आपको यहाँ पे नहीं करना है। आपको मैंने जैसे लुक क्रिएट करने को बोला है, आपने वैसे ही करना है। तो यहाँ पे हमें लग चाहिए एक पिन, नहीं तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैं ऊपर उसको शोल्डर पे रख रही हूँ, तो प्लेट्स जो हैं ख़राब हो सकते हैं हमारे। तो हम यहाँ अंदर की तरफ एक पिन ले करके सिक्योर कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, जो मैंने पिन से अच्छे से सिक्योर कर लिया है, और ये हमारा हो चुका। अब हमें करना ये है, तो ये देखिए हो गया। और अब हमें करना ये है कि अपने जो आंचल की प्लेट्स हैं उसको तैयार करना है। आपको मुश्किल नहीं होगी बिल्कुल भी। आप सिंपली अपने हैंड पे ऐसे फैब्रिक को रखें साड़ी के, और छोटी छोटी प्लेट्स अपने हाथ में ही क्रिएट कर लें। और ये वाला ट्रिक बहुत आसान है, नहीं तो आप अगर ऐसे प्रॉपर बनाने लगे तो ना जाने कितने टाइम लग जाएगा और कितने प्लेट्स बनेंगे। बहुत छोटे छोटे प्लेट्स हैं, क्योंकि आपको अपने लेस के मेजर के हिसाब से प्लेट्स बनानी है। तो जो हमारा प्लेट्स है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और ये मैंने प्रॉपर वे में बना लिया है। अब मैं इसको एक पिन की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी।
तो थोड़ी सी जो गड़बड़ी है उसे आप सही कर लें अपनी हैंड की हेल्प से, और आपको इन सब को थोड़ा सा थोड़ा सही करना पड़ेगा। तो मैं प्लेट्स को थोड़ा सा वापस से बना रही हूँ। और देखिए, एक और मैंने तरीका इसमें देखा, आपने सिंपली फैब्रिक को हाथ पे रखा और ऐसे उसको बिना कुछ किए ऐसे खींचते हुए अपनी तरफ लाके और एक पिन लगा लिए। ये वाला तरीका भी बहुत आसान है और बहुत ही ईजी है। ये वाला भी आप ज़रूर ट्राई करें, जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया। तो मैंने यहाँ लगा लिया है पिन, और पिन से अब देखिए मेरी साड़ी जो है हो चुकी है ऑलमोस्ट रेडी। बट अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, और कितना प्यारा लग रहा है, आप खुद ही देख रहे हो। ये वाला लुक बंगाली में बिल्कुल नया वाला लुक है। ये वाला लड़कियाँ या न्यूली मैरिड ज़रूर ट्राई करें। और आप इसे किसी फंक्शन में या बंगाली शो में या किसी भी कहीं भी आप इसे पहन सकते हैं। आपने देखा कि कितना आसान है इसे पहनना। और हाँ, आपको बताऊँ, अगर आप एक चीज़ और कर सकते हो यहाँ पे, अगर आप चाहते हो कि ये जो आज ये प्लेट्स का लेस है वो फ्रंट पे रहे, तो आप यहाँ एक पिन लगा सकते हो। वो भी तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पे लगाने वाली नहीं हूँ, बट मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो ये भी आप देख लेना। बहुत ही प्यारा साड़ी का जो लुक है वो हुआ है, आप खुद ही देख रहे हैं। तो आप यहाँ एक पिन भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। वो भी आपको मैं दिखाई दे रही हूँ कि कैसा लग रहा है पिन के साथ में। पिन के साथ भी बहुत प्यारा लग रहा है, और ये बस लेस दिखेगी और बहुत हॉट लुक क्रिएट हो जाएगा अगर आप यहाँ पिन लगा लोगे तो। तो ये देखिए, हमने लगा लिया है पिन। और तो अब मैं पिन को निकाल दे रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए पिन। और अगर आपको नीड है तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं पिन को। तो अब यहाँ आपको सिंपली ये करना है कि आपको ये बैग से पकड़ना है इसे, और सिंपल इसका कॉर्नर पकड़ के हमें वाटर फ्लो जैसा लुक क्रिएट करना है। और अपने हमें इसे कॉर्नर में पकड़ के यूँ सिंपल वे में यहाँ पे एक पिन से टक कर लेना है। तो हम थोड़ा बैग की तरफ ही करेंगे जब पिन टक कर रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और अगर वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो आप इसे कमेंट कर देना। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप चाहते हो कोई मैं नया लुक क्रिएट करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन सा वाला लुक क्रिएट करूँ। मैं वो आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए, अब मेरी जो साड़ी का लुक है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। सो आई होप यू गाइज, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। तो थोड़ा बहुत जो सेट करना है आप ऐसे कर सकते हो अपने हैंड की हेल्प से। बहुत ही इजी तरीके से आपका जो साड़ी है वो तैयार हो गया है, और बहुत ही प्रिटी भी लग रहा है, आप देख रहे हो। सो आई होप यू गाइज, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट इसे लाइक कर दो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।